हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल कुक विद तब्बू। नूडल्स और पास्ता सीरीज में आज हम बना रहे हैं प्रेशर कुकर पास्ता। कम टाइम में अगर आप कोई टेस्टी डिश बनाना चाहते हो तो इस रेसिपी को जरूर ट्राई करें, जो कि ब्रेकफास्ट, इवनिंग स्नैक और बच्चों के लंच बॉक्स के लिए भी परफेक्ट ऑप्शन है। प्रेशर कुकर को चूल्हे पर चढ़ाएं और इसमें 3 से 4 टेबलस्पून तेल डालकर इसको अच्छे से गर्म कर लें। इसमें एक मीडियम साइज की फाइनली चॉप की हुई प्याज को सौते कर लेंगे। प्याज में जब हल्का गुलाबी कलर आ जाए तो इसमें 1 टीस्पून अदरक लहसुन का पेस्ट डालकर इसको भी अच्छी तरह से प्याज के साथ भून लेंगे, ताकि इसमें जो भी कच्चापन है वो दूर हो जाए। अभी इसमें 1/2 टीस्पून हल्दी पाउडर और 1 टीस्पून लाल मिर्च पाउडर डाल दें और साथ ही में इसमें जाएगा टमाटर का पेस्ट। 2 मीडियम साइज के टमाटरों को मैंने ग्राइंडिंग जार में पीस कर इसका एक पेस्ट बना दिया था। सारी चीजों को अच्छी तरह से मिक्स कर लें और टमाटरों के गल जाने तक इसको पका लें। थोड़ी सी बारीक कटी हुई शिमला मिर्च और स्वीट कॉर्न भी मैं इसमें ऐड कर रही हूँ, पर ये ऑप्शनल है। आप अपने पसंद के कोई भी वेजिटेबल्स इसमें ऐड कर सकते हैं या स्किप भी कर सकते हैं। टमाटर अब अच्छी तरह से पक चुके हैं। मैं अब इसमें 200 ग्राम पास्ता ऐड कर रही हूँ। ये तकरीबन 2 कप होल व्हीट पास्ता है, जिसको मैंने इस कप से मेजर किया है। इसी कप से मेजर करके 3 कप पानी मैं इसमें ऐड कर रही हूँ और साथ ही में हम इसमें एक और इम्पोर्टेंट इंग्रेडिएंट ऐड करेंगे और वो है ग्रेट किया हुआ चीज। 1 क्यूब प्रोसेस चीज को ग्रेट करके मैंने इसमें डाल दिया है। आप कोई भी चीज इसमें ऐड कर सकते हैं। आखिर में इसमें नमक डालना ना भूलें। 1 टीस्पून नमक मैं इसमें ऐड कर रही हूँ। नमक आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग इसमें कम या ज्यादा कर सकते हैं। सारी चीजों को एक बार अच्छी तरह से मिक्स कर लें और कुकर का लिड लगाकर मीडियम हीट पर इसको 2 सीटी आने तक पका लें। चूल्हे की फ्लेम को अब ऑफ कर दें और इसके लिड को इमीडिएट ओपन ना करें, जब तक कि इसमें से सारा प्रेशर रिलीज ना हो जाए। तो एक क्विक और टेस्टी कुकर पास्ता बिल्कुल तैयार है, जो कि काफी टेस्टी बनता है एंड आई एम श्योर कि इसे बच्चे और बड़े दोनों ही पसंद करेंगे। आप लोग भी इस रेसिपी को जरूर ट्राई करें और मुझे फीडबैक देना ना भूलें। अगर आपको ये रेसिपी पसंद आई तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही में बेल आइकॉन दबाना ना भूलें, ताकि मेरे लेटेस्ट वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक पहुँच जाए। थैंक यू।